बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान, मैं हूँ शमैसर रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। अमूमन मैं कहती हूँ हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का, लेकिन आज हम आपके लिए एक स्पेशल ईद शो लेके आ रहे हैं क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और हम चाहेंगे कि हम इसमें सियासी बातें भी करेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ ईद के हवाले से भी कोई दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लैला जुबैरी साहिबा, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शी इज़ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, शी रन्स हर ओन प्रोडक्शन कंपनी एंड लास्ट टाइम जब मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी उन्होंने मुझसे कहा था कि इवन दो इनके जो मियाँ हैं इनके फौज से ताल्लुक है वो ट्रैवल करती रहती थी लेकिन उन्होंने हर सेंटर में कोशिश किया कि वो काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हर सेंटर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, हमें ज्वाइन करें मसूद ख्वाजा साहब, लास्ट टाइम भी हमारे शो पे थे और अगेन मैं कहूँगी कि तारुफ के मोहताज हैं लेकिन मुझे जो पिछले शो के बारे में याद है कि उन्होंने ऐसी सियासी बातें कर दी जो कह के भी लोगों को समझ भी आ गई लेकिन ढके छुपे अल्फाज में। Am I right जी? You are right जी, आपको ईद मुबारक सबसे पहले तो। शुक्रिया जी, और मुझे खुशी ये हुई कि सियासी प्रोग्राम से हट के आप प्रोग्राम करते हो। नहीं, सियासी तो थोड़ा सा करेंगे। नहीं नहीं, सियासत तो अभी सियासतदान तो कोई नहीं बुलाया हो। नहीं, लेकिन इस मुल्क में हर हर इंसान जो है वो सियासत जानता है, बल्कि मैंने तो बकरे भी सियासी लिए हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही फेमस पोएट हमारे कंट्री के हैं सरफराज शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पहले दफा आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा जी, हमें उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं शबीर साहब, ये एक सिंगर भी हैं, उसके अलावा इनका क्लासिकल म्यूजिक से ताल्लुक है। मेरे सामने एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का जिसमें लिखा गया है कि शबीर सैन इज़ वन ऑफ द फेमस 18 जनरेशन म्यूजिक इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ये काफ़ी बड़ी एक चीज़ है कहने की। अस्सलाम वालेकुम जी, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूनियर अलन फकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी साइंस, और इनके साथ जो इनका ट्रू पाया हुआ है शबी साहब के साथ का, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद मुबारक। अच्छा नाज़रीन, शुरू करते हैं शो। लैला साहिबा, मैं आपसे शुरू करूँगी। लोग पूछते हैं ईद कैसी गुजरी, हर किसी को पता है ईद पर क्या पकता है क्या होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सियासी, इस माहौल में जो अभी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में स्पेशली, आना जाना मुश्किल, बिल्कुल इस हालात में बकरे खरीदना, उनको लाना, कसाई को पकड़ना, ये सब कितना मुश्किल था? हाँ, ये तो मुश्किल था इस दफ़ा बहुत। पहले भी वैसे मुश्किल होता है मगर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। ठीक है, मगर ये कि बस अल्लाह ताला करवा देता है, मैनेज हो गया, किसी ना किसी तरह से हम लोगों ने कर ही लिया। अच्छा, चले किसी धरने पे आप गई हैं? जी जी, मैं जाती रहती हूँ। अच्छा, आप जाती रहती हैं? जी जी बिल्कुल। वो क्यों और किस वाले धरने पे, मैं ये पूछूंगी। वही वाले धरने पे जिसमें मुझे जाना चाहिए। धरने पे ना जाए लेकिन जाके देखे, तो मैंने सुना है लोग वहाँ पे कपड़े मतलब धो के लगा रहे हैं गेटों के ऊपर, वहाँ पे कोई तो जा रहे हैं, वो इतने दिन रहेंगे तो फिर करने तो पड़ेगा। और ईद का बड़ा, आपको पता है कुर्बानी की ईद है, हर बंदा बकरे की बात करता है जी, गाय की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने जो काम मैंने किया है, क्या किया है, कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। क्या किया आपने? मैंने ना गाय खरीदी ना बकरे खरीदे, फिर मैंने कसाई खरीद लिया। अच्छा, मैं समझी आपने मुर्गी की कुर्बानी कर दी। अरे सरफराज साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद जी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और मुझे और याद आया किस के साथ, और फिर दोस्तों के साथ, और दोस्तों और के साथ, दोस्तों और के साथ, दोस्तों के साथ, तरीके तरीके से मुझसे निकलवाने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जब शादी हुई थी तो फौरन ही ये ईद कुर्बान आ गई। अच्छा, ठीक है, यानी कुर्बानी फौरन ही हो गई, मतलब कुर्बानी एक तरफ हुई दूसरी कुर्बानी। तो मैंने एक कथा कहा था जो मुझे याद आ गया कि शादी के बाद फौरन आई जो ईद कुर्बान, शादी के बाद फौरन आई जो ईद कुर्बान, समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा। बकरे के समझा गया ये नुक्ता, आप नौजवान इशारा करें ख्वाजा साहब, बात पूरी कर लेने दे बात, अब हवाला देख लेना फिर उसके बाद। समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा, उस दिन यकीन आया दोनों ही एक से हैं, हो बेजुबान शौहर या बेजुबान। रवि साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपकी ईद कैसी गुजरी है?
असल में एक फ़नकार की ईद बिल्कुल बाकी लोगों से हटके होती है। ईद की नमाज के बाद शागिर्दों का और चाहने वालों का एक तांता बन जाता है, और क्योंकि कुर्बानी की ईद है लेकिन वो जिम्मेदारी भी किसी और को निभानी पड़ती है फ़नकार के घर में। अच्छा। तो शागिर्दों के साथ और गाने बजाने के साथ हमारी जो ईद वो बड़ी अच्छी गुजरी। और दूसरा ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत पहले राजस्थान से हिजरत करके आ गए थे यहाँ पे, आधी फैमिली हमारी आज भी इंडिया में और यहाँ पे है। तो हमारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी ईद होती है कि हमने आज तक भी हम हमारे राजस्थान का जो कल्चर है उसी में ईद मनाते हैं हम उसी तरीके से। तो हमारे यहाँ जो क्या होता है हमें भी कुछ बताएं क्या कल्चर होता है। असल में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ घर में जो हमारी खवातीन होती हैं, चची होती हैं, ताई होती हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग, और उसमें खाने भी तरह तरह के पकवान पकेंगे उसमें। और फिर ये होता है कि हम सिर्फ फैमिली की हद तक हमारे होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के खुशी के गाने गाए जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे राजस्थान में होता था। तो वो कल्चर आज तक हमारे यहाँ जिंदा है, तो उसी तरीके से बड़ी अच्छी। और आज का जो ईद का तीसरा दिन था, आज तक जो है वो बड़ा एक यादगार किस्म का जो समा अभी तक मेरे दिमाग पे जो है, और ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने बड़े फनकारों के साथ यहाँ पे, तो ये भी ईद का मेरा एक हिस्सा है कि यहाँ पे फनकारों के साथ और मेरी फैमिली के साथ, मेरे शागिर्दों के साथ बहुत ही अच्छी जो ईद वो गुजर रही है अभी तक। आशीष जी, और आप अलन फकीर साहब? मैं जूनियर, मुझे बार बार जूनियर कहना पड़ेगा। लेकिन अब ये काफी सीनियर हो गए है ना, दो तीन साल इनके रह गए। इन्होंने अलन फकीर साहब को जिंदा रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है, करीब करीब पहुंचे हुए जी माशाल्लाह। उसी प्यार के आप डगर में उससे फंस गई हूँ बिल्कुल। वो कह रहे थे कि जब नया पाकिस्तान आएगा तो फिर मैं शादी करूंगा। मेरे ख्याल सारी खवातीन जो है वो इंतजार में बैठी है कब आएगा कब आएगा नया पाकिस्तान। लेकिन ऐसी बात है कि हम भी, मैं भी शादी शुदा हूँ, लेकिन अगर नया पाकिस्तान आता तो शादी। आप इमरान खान की तरफ देख रहे हैं? अच्छा नैना, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम इस बात करें, अक्सर मैं लोगों से बातें करती हूँ, वो कहते हैं कि शादी कभी ना करें। मैं कहती हूँ क्या मतलब? कहते हैं शादी करने से ना जितना भी वो इश्क और वो रोमांस और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक है कि ऐसे ही होता? बिल्कुल नहीं, ये डिपेंड करता है हर एक के अपने डिपेंड करता है ना। जिसका तजुर्बा अच्छा नहीं होगा वो इसी तरह कहेगा। मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसी रात गुजरी हो कि हम लड़के सोए। अगर कुछ हो भी जाती है, सारे दो लोग हैं वो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, कभी कभी कोई झगड़ा छोटा मोटा हो भी जाता है, मगर हमने ये शुरू से रूल बनाया हुआ है कि रात को हमेशा हम सुलह सफाई करके सोते हैं। बिल्कुल सही है। मेरी भी ऐसी सुलह होती है, मैं कि मतलब छुरियां खा के चुप करना हमें क्या पता। मैं खुदा की कसम, मैं हमेशा मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी वाइफ दी, आर्टिस्ट को जो वाइफ चाहिए होती बहुत अंडरस्टैंडिंग, मदर लाइक चाहिए होती है। अच्छा। और शोहर भी फादर लाइक, फादर लाइक चाहिए होते हैं। ये कैसी बात कर रही है, ये कैसी बात कर रही है? मतलब जो लोग देख रहे हो कहेंगे कि अच्छा, बाकी जो आर्टिस्ट होती हैं या जो खवातीन टीवी पे आती हैं उनको शायद बाप का प्यार ना मिला हो तो वो अपने ख्वाबों में वो बाप का प्यार ढूंढ रही होती है, उनको माँ का प्यार नहीं मिला। मतलब ये होता है कि जब आप काम करके जाएं तो आपको कोई पैम्पर करने वाला हो घर पे, ये चाहिए। बात को ही बांध दे मैं तो कहता हूं। अरे सभी साहब, आप तो काफी है, कोई इश्क विश्क आपका चल रहा है, कोई शादी के प्लान या शादी की भी है, उम्र भी है। जो ऐसा कहता है कि मैंने इश्क नहीं किया वो झूठ बोल रहा है। खासतौर पे फनकार के लिए हमारा जो सबसे बड़ा इश्क है वो अपने काम के साथ है। पहला इश्क ये है, दूसरे की तरफ मैं आ रहा हूँ। पहला इश्क ये है क्योंकि हमारी पहली जो जिम्मेदारी होती है वो घराने की, और सारा हमें देखना होता है उसको, ठीक है, और हर तरह के हालात में हमने सर्वाइव करना होता है, अच्छे बुरे हालात में हमने हर हाल में इस आर्ट को, इस काम को अपने सीने से लगाना होता है। तो पहला इश्क तो हमारा ये हो गया। और दूसरा इश्क जिसको हम कहते हैं कि वो दुनियावी इश्क जो है वो भी जरूरी है कि अपने फन में परवाज के लिए, ठीक है, हमें बहुत जरूरी है, इश्क का होना बहुत जरूरी है। मन मेला महबूब गोले जिस मन मेला, आप जिधर देखें आपको अला नजर आएगा, कोई भी खाली नहीं है। सचर सिंह का कलाम भी ऐसे है, तन मेला मन मेला। आप एक कलाम अगर सुना दें हमें। अला तन मेला मनु मेला, ठीक
चीज की याद दिला दी।